हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका डीपीडी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा फुल हम एनालाइज करने वाले हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जो 29 और 28 दिसंबर का जो एनालाइज करवाया है और डिटेल में करवाया है उसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो हम फुल डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन है, गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है प्रमोद सावंत। कौन है प्रमोद सावंत, क्या है चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ये कौन से नंबर के हैं, तो 11वां नंबर के चीफ मिनिस्टर है गोवा के। ठीक है, तो गवर्नर ही पूछा जा सकता है। तो गवर्नर कौन है गोवा का, भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी क्या है, जो गवर्नर है गोवा के। गोवा का कैपिटल क्या है, पणजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर 2 क्वेश्चन में। तेलंगाना का गवर्नर पूछा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना का गवर्नर ये है तामिली साई सुंदरिया राजन जी हैं, जो कि तेलंगाना के गवर्नर है ये। ठीक है, ये तेलंगाना की पहली महिला है जो कि ये गवर्नर बनी है, पहली महिला। और चीफ मिनिस्टर भी कौन है तेलंगाना का, क्वेश्चन पूछा गया फिर भी मैंने मेंशन कर चुका हूँ, के चंद्रशेखर राव है। कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जबड़े की हड्डी का नाम, जबड़ा का हड्डी, जबड़े का जो हड्डी होते हैं दोस्तों वो अपर लेयर लोअर लेयर, अपर लेयर दो लेयर लेयर होते हैं, उसके जो हड्डी का जो बोला उसको इंग्लिश में बोलते हैं जो बोन, वो कौन सा है। अगर अपर लेयर का बोलेगा तो यहाँ पर लिख चुका हूँ मसाइला और मैंडिबल, और लोअर का पूछेगा तो मैंडिबल होगा। ठीक है, लोअर पूछेगा तो मैंडिबल और ऊपर का पूछेगा तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, श्रीनगर से लेह से जोड़ने वाली पास का नाम क्या है, श्रीनगर से लेह से जोड़ने वाली जो पास होती है उसका नाम क्या है, बनिहार पास। ठीक है, नोटबंदी कब हुआ था, तो उस टाइम नोटबंदी कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, आपको सबको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पहले शिफ्ट में करा चुका हूँ कि उस टाइम को उर्जित पटेल क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। कौन थे आरबीआई के गवर्नर, कौन थे, उर्जित पटेल थे उस समय के। अभी तक हमारे देश में नोटबंदी कितनी बार हो चुकी है, तो 3 बार हो चुकी है, कब कब, 1946, 1978 और 2016। तो आप लोग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूछा है, जो अभी जो प्रेजेंट में जो होने वाले हैं अमेरिका प्रेसिडेंट वो कौन है, तो जो बाइडल है। तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो 46 से भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर के हैं, तो जी 46। और आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इंडियन, एक इंडियन है। ठीक है, इनका नाम है कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने ही कहाँ की, अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द रिपब्लिक बुक का ऑथर कौन है, रिपब्लिक बुक जो हमारा है उसका ऑथर कौन है, प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो है। अच्छा, निफा वायरस जो स्प्रेड हुआ, फैला हुआ, कौन से स्टेट में फैला हुआ, कौन से राज्य में निफा वायरस कौन सा राज्य में फैला हुआ, स्प्रेड हुआ है, वो केरला का पता ही है क्या है, त्रिवंतनमपुरम कैपिटल है। ठीक है, इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कब हुआ था, वो अप्सरा नाम उसका, इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों समझ में आ रहा होगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है, तो साउथ अफ्रीका का दोस्तों याद रखिए 3 कैपिटल है। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल, और देख लीजिए कौन सा कैपिटल पूछा है। ठीक है, केप टाउन है, प्रेटोरिया है, ऐसे कुछ 3 कैपिटल है जो आपका ऑप्शन में होगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, डोचीगम नेशनल पार्क पूछा है कि कौन सा स्टेट में है, डोचीगम नेशनल पार्क कौन सा, वो कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है डोचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैं जम्मू कश्मीर का सारे मैंने नेशनल पार्क यहाँ पर लिख चुका हूँ, यहाँ पर है हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सारे जो है इंपॉर्टेंस नेशनल पार्क हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के, एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से।
2014 को भारत की न्यू राज्य कौन बना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 2014 में 2014 का पहले क्या था, 28 स्टेट थे, लेकिन क्या हो गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया। कब हुआ था, 2014 को 2 जून 2014 अलग हो गया, तेलंगाना अलग राज्य बन गया, कितने हो गए, 29 हो गए। फिर अभी करंट में क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिए हैं, तो फिर हमारा राज्य कितना हो गया, राज हो गया 28, स्टेट हो गया हमारा, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी पूछेगा कितना दोस्तों, तो हमारा 8 है, ठीक है। भाषा के आधार पर पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन है, तो भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। IBM का CEO कौन है, IBM का CEO कौन है, तो है आशीष कृष्णा जी हैं IBM का CEO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। फिर वो पूछा गया कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, मैंने करा चुका हूँ, मैंने जितने क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा चुका हूँ 28 और 29 वाले शिफ्ट में, ऑल शिफ्ट में, ठीक है। तो बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, 16/10/1905 में हुआ था। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। दास वंश की स्थापना किसने किया है, तो दास वंश का स्थापना किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दास वंश की स्थापना किए हैं, ठीक है। रियल फाउंडर पूछेगा तो रियल फाउंडर कौन है, इल्तुतमिश है, रियल फाउंडर पूछेगा तो इल्तुतमिश है। इससे इतने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आप लोग की कोशिश कर रहा हूँ कराने के लिए। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उस टाइम का उनका कैपिटल क्या था, लाहौर था, उनका कैपिटल क्या था, लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा का इन्होंने ही बनवाया था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, तो कुतुब मीनार जो है जो दिल्ली में है वो किसने बनाया था, स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, पूरा फिनिश जो किए थे वो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। पूरा जो फिनिश किए थे किसने, पूरे काम को अच्छे से, वो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। बंगाल की कुल लंबाई पूछा है दोस्तों, बंगाल की कुल लंबाई है 4156 किलोमीटर। गोबी डेजर्ट कौन सा कंट्री में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है फिर भी पूछा जा रहा है, रिपीट हुआ है, यह है मंगोलिया में, कुछ हिस्सा चाइना में पड़ता है और ज़्यादातर हिस्सा मंगोलिया में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और ये अब एशिया का गोबी डेजर्ट है, ठीक है। अब एशिया में कितने डेजर्ट हैं पढ़ लेते हैं, चाइना में बोलते हैं टाकलामाकन जो कि डेजर्ट है, टाकलामाकन एक डेजर्ट है उसको बोलते हैं। मंगोलिया का गोबी डेजर्ट पढ़ चुके हैं जो कि एशिया का, हम बता रहे हैं एशिया का डेजर्ट। सऊदी अरेबिया का क्या हो सकता है दोस्तों, तो रूब अल खाली जो है कि सऊदी अरेबिया के डेजर्ट है। ईरान का बोलेगा लूट डेजर्ट। और दोस्तों काराकुम डेजर्ट पूछेगा एग्जाम में दोस्तों, तो वो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, आप लोग दोस्त दिख रहा होगा, ठीक है, ये होगा तुर्कमेनिस्तान जो होगा काराकुम डेजर्ट का। तो मैं एशिया के जितने इंपॉर्टेंट डेजर्ट है मैं आप लोग करा चुका हूँ एशिया के रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, आइए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त पूछा है कामायनी का जो लेखक है कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद। कामायनी एक बुक है, उसका लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। हेनले जो होता है पासपोर्ट के इंडेक्स में जब फर्स्ट रैंक पर कौन है, जापान है, ठीक है। मेडिसिन ऑफ नोबेल प्राइज 2020 में किसको मिल रहा है दोस्तों, मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। काल बेलिया जो फोक डांस है कौन सा स्टेट के, बहुत इंपॉर्टेंट काल ये है फेस्टिवल है काल बेलिया, वो कौन सा स्टेट, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, गहलोत जी हैं, सबको पता है दोस्तों गहलोत जी हैं। इसका राजस्थान का कैपिटल क्या है सबको पता है, बताने की दरकार नहीं है। मेदई फेस्टिवल कहाँ के, छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या होगा सबको पता है, रायपुर होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड दोस्तों था लीवर, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम क्या था, बर्दमाना, ठीक है, यहाँ पर लिख चुका हूँ। महाबोधि कौन सा स्टेट में है, जो महाबोधि ये है बहुत अच्छा प्लेस है, कौन सा स्टेट में है, बिहार में है, ठीक है। ये ऑथर के पूछा है तो शूद्रक होंगे, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न
रत्न से पूछा है कि क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला है, तो रोहित शर्मा को मिला है। यूनिट ऑफ लेंस किसको होते हैं, पावर, पावर ऑफ यूनिट ऑफ लेंस और पावर किसको डायोप्टर को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है ये। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन विच स्टेट, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात का दोस्तों, गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। ऐसे करके पूरा एक क्वेश्चन ऐड होता है। ठीक है, ये उसको होते हैं बाउंड्री को बोलते हैं, किनारा उसको होते हैं। कौन सा कोस्ट लाइन स्टेट है, तो गुजरात का है। ठीक है, जो कि यहाँ के विजय भाई रूपानी चीफ मिनिस्टर, सबको पता है गुजरात का कैपिटल क्या होता है, अहमदाबाद होता है। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ इन्वेंटर किसने किया था, जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया था, क्रिस्कोग्राफ इन्वेंटर किए थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2000 विनर कौन था, नोवाक। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा, ओजन है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या दोस्तों, ओजन है। कौन सा योजना है दोस्तों, कौन सा योजना है देश का, क्योंकि गिनीस ऑफ अवार्ड में रखा गया है, शामिल किया गया है, तो सांभाई योजना। ठीक है, सांभल योजना है, जो कि इसको गिनीस ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया है। तो चलिए चलते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, दादा भाई नौरोजी कंपोज विथ पेपर, दादा भाई नौरोजी कंपोज विथ पेपर, तो रॉस्ट गफ्तार। ठीक है, फेमिना मिस वर्ल्ड 2019 में कौन बनी थी, सुमन रॉय। फेमिना मिस वर्ल्ड 2019 से कौन है, सुमन रॉय है। ठीक है, एवरी चाइल्ड जो मैटर, इसका ऑथर कौन है, कैलाश सत्यार्थी जी हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला, मतलब पहला फोर्ट कौन है, जो अंग्रेजों ने बनाया, फोर्ट एसटी जॉर्ज है। ठीक है, मलयालम वाज लॉन्च रॉकेट, सॉरी मंगलम जो एक लॉन्च किया गया रॉकेट, उसका कितने उसका नाम क्या है, वो है PSLV C-25। मंगलम लॉन्च किया एक रॉकेट, उसका नाम क्या है, PSLV C-25। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1 KB हाउ मेनी बाइट, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1000 होते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024 होते हैं, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, वो कॉस्मोलॉजी से है। यहाँ पूछा दोस्तों कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जकार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम वाली कंट्री है, मुस्लिम वाला कंट्री है, यही इंडोनेशिया है। करीब 22 करोड़ आबादी है मुस्लिम का। ठीक है, यहाँ पे सीईओ कौन है, सीईओ कौन था, ड्रीम इलेवन का सीईओ कौन था, वो हर्ष जैन जो है कि वो सीईओ है किसका, ड्रीम इलेवन का। बेस्ट एक्टर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, रणबीर सिंह को दिया गया है। रणबीर सिंह को क्या दिया गया, बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है रणबीर सिंह को। और मूवी के लिए किसको दिया गया, गुली बॉय। ठीक है, विच फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नॉमिनेट की हुए हैं, कहाँ के, राज्यसभा के लिए, कौन से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, वो रंजन गोगोई हैं। क्योंकि अब भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, अरविंद बोबडे जी हैं। ठीक है, तो इनके पहले ये थे रंजन गोगोई थे, लेकिन अब चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, अरविंद बोबडे जी हैं, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों कब हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम 2020 में कहाँ पे होगा पूछा है, तो दोस्तों ये होगा कहाँ पे, इंग्लैंड में होगा कॉमनवेल्थ गेम 2020 वाला। बैटल ऑफ बक्सर पूछा है, तो 1764 आप लोग याद कर लिया, बैटल ऑफ पारी 1761 मैंने आप लोग सारा करा चुके हैं। जोजिला पास कहाँ पे है, जोजिला पास कौन सा स्टेट में है, वो लद्दाख में है, स्टेट नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ये लद्दाख में होगा। ठीक है, चेयरमैन 15वां फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो है एन के सिंह। क्या है, 15वां फाइनेंस चेयर कमीशन के हेड है एनके सिंह। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर कितना इजी पूछा जा रहा है। तो चलिए जो दोस्तों फिर मिलते हैं 30 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस को लेकर शाम को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।